हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन गुरु। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ मलिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल एडसन के अकाउंट को कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं विदाउट पिन। तो दोस्तों, मेरा गूगल एडसन का जो अकाउंट है, मैंने 2 से 3 मरतबा, यानी कि 3 मरतबा ट्राई हमें मिलती है, 3 मरतबा गूगल की टीम हमें पिन सेंड करती है हमारे एड्रेस पर। तो मुझे 3ों दफ़ा पिन रिसीव नहीं हुई। तो अब मुझे पिन रिसीव नहीं हुई, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि मैं अब अपने ID कार्ड के जरिए अपने गूगल एडसन के अकाउंट को वेरीफाई कर सकता हूं। तो अगर मैं वेरीफाई नहीं करता, ठीक है, अगर मैं वेरीफाई नहीं करता तो जो एडसेंस में पेमेंट है वो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। तो वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने भी, अगर आपका भी इस तरह का इशू आ रहा है, अगर आपने 3 बार पिन यानी कि सेंड कर दी अपने एड्रेस पर, अभी तक आपको पिन वसूल नहीं हुई, तो आप विदाउट पिन भी अपने एडसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। वो सब कुछ तरीकाकार मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर, ऑनलाइन ग्रुप पर न्यू है, तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा, जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं, वो आपने याद रखनी है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर प्लस होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, यानी कि ID कार्ड आपका बना होना चाहिए। अगर आपका ID कार्ड नहीं बना तो आप अपने वालिद का, भाई का या फिर किसी का भी ID कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर टॉप पर आपके ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपने एक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे एक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर योर पिन, यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह शो हो रहा है, जो कि फिलहाल मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको पिन रिसीव हो गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर योर पिन, तो यहाँ पर आपने अपनी पिन लिखनी है और सबमिट कर देना है, तो आपका एडसन वेरीफाइड हो जाएगा। और एक और बात, अगर आपको पिन वसूल नहीं हुई, अगर आप यहाँ पर 3 मरतबा गलत पिन लिख देते हैं, तो आपका एडसन सस्पेंड भी हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते। तो अब मुझे यार 3ों बार पिन वगैरह रिसीव नहीं हुई, अब मैं विदाउट पिन इसे वेरीफाई करूंगा। तो जब आपके 3 ट्रायल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यहां पर नीचे आपका इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, दिस फॉर्म, तो यहां पर आपने क्लिक करना है दिस फॉर्म पर। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, बाकी यहां से आपने, ठीक है, जब आपको पिन रिसीव ना हो, ये मुद्दत खत्म हो गई, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद ये फिर ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। दिस फॉर्म पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जीमेल वगैरह हाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, तो नेम पर आपने अपना नेम लिखना है, जो आपका असल नेम है, जो आपकी ID कार्ड पर नेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर योर एडसन पब्लिशर ID, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपसे कहाँ, आपको कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, बैक आ जाना है, तो आपने जो आपके एडसन का URL है वो आपने देखना है, वहां पर ऊपर लिखा होगा आपकी ID। तो मैंने यार हाइड किया हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो वहां पर आपको PUB उसके बाद स्लैश, ठीक है, 2019, जो भी इस तरह आपकी ID होगी वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ID मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने ID लिख देनी है, यहाँ पर ओरिजिनल नेम लिखना है, और यहाँ पर अब आपने अपना ID कार्ड की कॉपी में सेंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने अपनी ID कार्ड की पिक्चर्स वगैरह ले लेनी है। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद अडोब फोटोशॉप में आ जाना है, तो यहाँ पर Ctrl+N टाइप करना है। उसके बाद आपने पिक्चर की फ्रंट साइड को यहाँ से, ठीक है, कॉपी यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने अपने ID कार्ड की सेकंड यानी कि बैक साइड भी यहाँ पर ऐड करनी है। तो मेरे पास बैक साइड नहीं है, तो ये तो वैसे मैंने इंटरनेट से पिक्चर उठाई है आपको बताने के लिए, वैसे आपने ओरिजिनल से करना है। अगर आप किसी की कॉपी वगैरह करते हैं तो आपका एडसन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए आपका। तो इस तरह आपने पिक्चर करके इसे सेव करना है, और यहाँ पर सेव करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है किसी भी नेम से अपने कंप्यूटर में। उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पर आपने चूज फाइल पर करके उस प्रोफाइल को, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, देन आपने इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ ही देर बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका एडसन पिन वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल एडसन से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगा। बाकी मैं यहाँ पर डेली बेस पर वीडियोज अपलोड करता ही रहता हूँ अपने इस चैनल पर, ऑनलाइन ग्रुप पर। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सो फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया जिंदाबाद।